मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर नगर में 600 फीट की ऊंची त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है माँ दुर्गा का एक ऐसा अद्भुत धाम, जहाँ रोज आता है 900 सालों से जीवित एक महाबली योद्धा। वो करता है माँ की आराधना और हो जाता है गायब। कैमरे में रिकॉर्ड होते हैं सारे सबूत। दोस्तों, ये माँ दुर्गा के शारदीय स्वरूप माँ शारदा का अद्भुत व चमत्कारी मंदिर है, जो मैहर देवी शक्तिपीठ के नाम से भी विख्यात है। इसे मैहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ माता के गले का हार गिरा था। माना जाता है भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकुट पर्वत के शिखर पर आ गिरा था, इसलिए इस पर्वत स्थल की गणना शक्तिपीठों में की जाती है। लेकिन यह मंदिर देवी से ज्यादा उनके एक भक्त के लिए जाना जाता है, जो भक्त 900 सालों से जीवित है। हम बात कर रहे हैं माँ मैहर देवी के सबसे बड़े भक्त महायोद्धा आलहा की। यहाँ सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही आलहा माँ की आरती व पूजा करके चले जाते हैं। मंदिर के कपाट खुलने के बाद मंदिर के गर्भगृह में गुड़हल का ताजा फूल मिलता है। माता की प्रतिमा पानी से भीगी हुई होती है, मानो किसी ने उन्हें स्नान करवाया हो। इसके अलावा माँ की सेज पर सलवटें भी देखी जाती है। इस दृश्य को जो भी देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हर रोज रात 8 बजे मंदिर की आरती होती है। आरती के बाद गर्भगृह की साफ सफाई होती है, माता की सेज सजा दी जाती है, फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन रात में बंद मंदिर के अंदर से घंटियों के बजने की आवाजें आती हैं। लगता है कि कोई अंदर बातें कर रहा है, जबकि मंदिर के चारों ओर ताले होते हैं। जब मंदिर सुबह दोबारा खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सबसे पहले उनके परम भक्त आलहा ही करते हैं। आपको बता दें कि इस रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए कई बार वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। उन्होंने वहाँ रात भर डेरा जमाया, कैमरा लगा दिए गए, लेकिन रात भर उन्हें मंदिर के आसपास कोई नहीं दिखा। पर जब सुबह मंदिर के कपाट खोले गए तो वही नज़ारा दिखा जो हर रोज दिखता है, यानी आज भी यह रहस्य जस का तस बना हुआ है। आखिर यह सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं। माता के परम भक्त बुंदेलखंड के दो वीर योद्धा भाई आलहा और उदल परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जकनीक नाम के कवि ने आलहा खंड नामक एक काव्य रचा था, जिसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में इन दो भक्त वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। आखिरी युद्ध उन्होंने सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था। पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में हार हुई, पर इस युद्ध में उदल वीरगति को प्राप्त हुए। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आलहा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया, परंतु आलहा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास लेकर 12 वर्षों तक माँ की कठोर तपस्या की थी। कहते हैं कि शारदा माई ने ही आलहा को अमरता का वरदान दिया था। लोगों का मानना है कि वो पिछले 900 सालों से आज भी जीवित है। आलहा माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसलिए प्रचलन में देवी का नाम शारदा माई हो गया। माँ के परम भक्त आलहा ने माँ के आदेश पर अपनी तलवार उनके चरणों में समर्पित कर दी और देवी आज्ञा से उसकी नोक टेढ़ी कर दी, ताकि उसे दोबारा युद्ध के काम में न लाया जा सके। इस तलवार की नोक को आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में अनेकों ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आलहा व पृथ्वीराज चौहान के बीच जंग की गवाही देते हैं। मंदिर के पास ही आलहा की स्मृति में एक सुंदर तालाब बनवाया गया है। मंदिर के पीछे ही अखाड़े बने हुए हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में दोनों भाई जोर आजमाइश के लिए कुश्ती का अभ्यास करते थे। आज भी ये अखाड़े उन वीरों की गाथा का गान करते हैं और मंदिर दर्शन करने वाले तीर्थयात्री अखाड़े में जाकर माथा टेकते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक और भव्य मंदिर है, जिसमें अमरत्व का वरदान प्राप्त आलहा की तलवार उन्हीं की एक विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। माँ शारदा तक पहुँचने की यात्रा को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार किया जाता है। दूसरा भाग 228 सीढ़ियों का है। इस यात्रा खंड में पानी व अन्य पेय पदार्थों की संपूर्ण व्यवस्था होती है। यहाँ पर आदेश्वरी माई का प्राचीन मंदिर है। तीसरे भाग की यात्रा में 147 सीढ़ियाँ हैं। चौथे और आखिरी भाग में 196 सीढ़ियाँ पार करनी होती है, तब जाकर माँ शारदा का मंदिर आता है।
चलिए जान लेते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। सतना से 160 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर और 140 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो एयरपोर्ट है। वहाँ तक हवाई मार्ग से आकर सड़क मार्ग से सतना पहुँचा जा सकता है। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो बता दें कि मैहर जिले के लिए देश के कई शहरों से ट्रेन चलती है। इसके अलावा मैहर जिला देश के कई शहरों के मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, इस कारण यहाँ बस या निजी वाहन से भी पहुँचा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। जय माता मैहर की।